वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, हु वांट टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों। लेट्स सी, कलेक्टिव थिंक रहेगी, डैमेज थिंक रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखे, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हु वांट टू टॉक टू यू एंड व्हाई, कौन आपसे बात करना चाह रहा है और क्यों। लेट्स सी, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपसे बात करना चाहता है, उसका रीजन क्या है। ये कौन है जो आपके साथ कनेक्शन में आना चाह रहा है। हु वॉन्ट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाह रहा है। अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट ऑफ टैरो शॉर्ट्स। वहां पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती हैं, ठीक है। वहां पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे, पिका कार्ड टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। ओके, हु वॉन्ट टू टॉक टू यू। डेविल, ये इंसान कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये पर्सन डेविल की एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन रहा है पहले। ओके, इमोशनली होल्ड बैक एनर्जी है इसमें। इमोशनली इमोशंस को होल्ड बैक करा हुआ है, ये इमोशनली ओपन अप नहीं है, ठीक है। एक ऑब्सेस पोजेसिव आपको लेकर एक बहुत अर्ज फील कर रहा है अंदर से। क्वीन ऑफ कप्स एंड मैंने यहाँ पे किंग ऑफ कप्स देखा है। ये आपका सोलमेट, सोल बॉन्ड या सोल कनेक्शन हो सकता है जो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ये मेल है या फीमेल है, ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाह रहा है, एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, कि इमोशनल एक इमोशनली आपके साथ मतलब कि ये आपसे बात एक इमोशनल टॉक करना चाह रहा है, ठीक है। इसका एक माइंड सेट जो है आपके साथ एक इमोशनल इमोशनली ओपन अप होना, या इमोशनली एक आप दोनों की हीलिंग नहीं हो रही, ठीक है। इमोशनली हील नहीं है ये कनेक्शन, या आपके या आपको एक सोलमेट काइंड वाइब मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। ये वो इंसान है, ठीक है। आप इस इंसान को लेकर अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इस इंसान की वजह से कोई ना कोई यहाँ पे टॉक्सिसिटी जरूर हुई थी। इंसान हील करना चाह रहा है, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर। आप भी इस इंसान से दूर हैं, डिस्टेंस में, होल्ड बैक करके बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्सेशन, एक कनेक्शन है, ठीक है। कनेक्टेड आप लोग फील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या कनेक्शन में आना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ठीक है। थोड़े से डाउट्स, डार्कनेस, कन्फ्यूजन, फियर यहाँ पर ओपन अप होने को लेकर, बैलेंस लेकर आने को लेकर, इस इमोशनल हीलिंग आपके पर्सन जो करना चाह रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर है, डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है आपके पर्सन जो भी आपकी लाइफ में है। ये जो भी इंसान है जो आपके साथ ओपन अप नहीं हो पा रहा है, एक फियर डर लेकर बैठा हुआ है, बहुत सारा फियर कैरी कर रहा है ये इंसान, ठीक है। आप लोग को कोई पास्ट बॉन्ड है, पास्ट कनेक्शन है, मुझे पास्ट लाइफ बॉन्ड लग रहा है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है, या बहुत ज़्यादा पास्ट टाइम से आप लोग कुछ या अभी का कनेक्शन नहीं है, आप ओल्ड टाइम से दूसरे को जानते हैं। इंसान आपके साथ बात करना चाहता है और इमोशनल हीलिंग करना चाहता है, ये फॉरगिवनेस चाहता है आपसे, माफ़ी चाहता है कुछ चीज़ों की, लेकिन ये फेयर में है, ओपन अप होने को लेकर इसको डर है बहुत ज़्यादा। एक इमोशनली ओपन अप होना इसके लिए एक चैलेंज है, डिफिकल्ट है इसके लिए, ठीक है। एक डिफिकल्ट माइंड सेट में रहता है, शायद एक्सप्रेस करना नहीं आता, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना नहीं आता, या अपनी गलती को एक्सेप्टेंस नहीं आती इसको, ठीक है। इसको उस चीज़ में एक फेयर नज़र आता है कि सामने वाला आपको गलत समझेगा, और सामने वाला आपको फिर गलत समझने लगता है, या वनरेबल शो करना इसको एक फेयर है इसका, ठीक है। अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को वनरेबल शो करना, या अपने आप को एक ओपन अप करना, इसको एक फेयर है। ये वो इंसान हो सकता है जो इमोशनल तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको आपसे कनेक्ट नहीं करता, या आपको लगता है कुछ हाइड करता है लेकिन बताता नहीं है। ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। इसका आपसे जो भी जब तक कनेक्शन रहा है, आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन है, एज डिफरेंट या कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है, स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज है यहाँ पर, अनस्टेबल कनेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है ये। ऐसा हो सकता है ये पर्सन एक एक्सेप्टेंस में नहीं था इस रिश्ते को लेकर स्टार्टिंग से, वो इंसान हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को हमेशा आपके साथ कनेक्ट होकर जो फील होता था, ये उसको अट्रैक्शन का नाम देता रहा, इसको ऐसा लगता रहा कि सिर्फ अट्रैक्शन है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसमें अट्रैक्शन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ कनेक्ट होना, आप लोग सोल ग्रुप मेंबर हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ, आप लोग का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप लोगों ने टाइम स्पेंड करा है, और आप लोग को वो अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ फील भी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी एक पर्सन है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, उन्होंने इग्नोर करा इस अट्रैक्शन को, इस पैशन को, इस कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा मतलब कि हमेशा से दूर भागने किया इसको, इसको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब किससे कनेक्शन बनाकर इसको बिल्ड करने के बजाय आपके पर्सन ने इग्नोरिंग माइंड सेट रहा है, इग्नोर करना, जैसे कि
हमेशा इस चीज को छोड़कर भागना, एक एक्सेप्ट ना करना, एक्सेप्टेंस नहीं थी। जो भी आपके पार्टनर को फील होता आया है, आपके पर्सन एक इंटरनली एक्सेप्टेंस में नहीं थे कि आपके पर्सन को आपके साथ अटैचमेंट है, आपके पार्टनर एक अट्रैक्शन की तरह लेते रहे, ये अट्रैक्शन होगी कुछ टाइम में खत्म हो जाएगी, इन्होंने हमेशा इस कनेक्शन को इस तरीके से लिया। ठीक है, यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लियो इंपॉर्टेंट है, लियो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर एक डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप लोग बहुत टाइम से एक डिस्टेंस पे हैं। ओके, हु वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, हु वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, आप लोग अगर फ्रेंड्स हैं तो बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत एक अच्छा बॉन्ड आप लोग का रहा है, चाहे इसको आप लोगों ने कभी एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन आप लोगों का बहुत ज्यादा, मतलब कि तेरा मेरा नहीं है, एक अपनाइयत वाला बॉन्ड रहा है, ठीक है। आपने आपने हमेशा इसके इस इंसान में एक बहुत ज्यादा एक जैसे कि अपनाइयत फील करी है, जैसे कि आपका ही कोई हिस्सा, ठीक है। ओके, हु वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, पार्टनरशिप इन अलायंस, ठीक है, ये कोई आपका लव कनेक्शन है जो आपसे बात करना चाहता है, ये कोई पार्टनरशिपिंग पे बेस्ड कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर शायद इसने पास में बहुत ज़्यादा ईगो से इस कनेक्शन को डील करा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो शो करा हो, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक माइंडसेट रहा हो, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक रहा हो, इस वजह से इसका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो बहुत ज़्यादा शो रही है, ईगो का एक ईगो चीज, ईगो ईगोस्टिक बिहेवियर, ईगोस्टिक माइंडसेट बहुत ज़्यादा रहा है। हु वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, थर्ड आई चक्रा, आपके पर्सन का इस कनेक्शन को लेकर कोई अवेकनिंग स्टेज है, आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आपके पार्टनर मेंटली क्लियर हो रहे हैं, आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, आपके पर्सन को पास्ट में इस कनेक्शन को लेकर काफी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस नजर आते थे, आपके पर्सन को ऐसा लगता था एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, बहुत स्पिरिचुअली आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, बहुत चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक सेम लेवल पे नहीं थे, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अपने अपने आप को मेच्योर करना था या बैलेंस करना था, आपके साथ अलाइनमेंट में आना आपके पार्टनर को काफी ऑब्स्टिकल लगते थे, चैलेंजेस रखते थे, आपके पर्सन को काफी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस का सामना था, पास्ट में आपके पर्सन इस कनेक्शन में इसलिए इन्वॉल्व नहीं होते थे, इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते थे, आपके पर्सन को ऐसा लगता था बहुत एक चैलेंजिंग कनेक्शन है, बहुत चैलेंजिंग, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा, लेकिन असल में आपके पर्सन की सोल जानती थी एक अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, एक मतलब कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो एक स्ट्रगल है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, अपने फेयर को छोड़ना पड़ेगा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इस इंसान का और इस वजह से ही ब्लॉक रहा है, इसके जो चैलेंजेस ऑब्स्टिकल यहाँ पर जो ये फेस करता आया है या इसने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा सोचे, तो एक इसका थ्रोट चक्रा सिर्फ आपसे ब्लॉक था, बाकी अदरवाइज हर जगह इस तरीके का नहीं है इंसान, ठीक है। फर्टिलिटी, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हार्ट चक्रा यहाँ पर हीलिंग यहाँ पर चल रही है, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच एक साइलेंस हो सकता है, ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग पे है इस वक्त, राइट नाउ रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी, आप लोग रेस्टिंग पॉइंट पे, रेस्टिंग एनर्जी पे है, हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ज्यादा एक हेडेक, एक मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। ओके, हु वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, आपका कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट ऐसा कनेक्शन जिस कनेक्शन में एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं थी, एक्सप्रेसिव नहीं था ये रिश्ता, हमेशा आप लोग कनेक्टेड तो रहे लेकिन आप लोग किस कनेक्शन में हैं, आपके दिल में भी फीलिंग्स रही हैं और इस इंसान के दिल में भी आपके साथ एक बहुत एक अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड, जैसे कि इसने बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा, लेकिन आपके साथ जो एक्सपीरियंस करा वो काफ़ी डिफरेंट एक डिफरेंट था, ठीक है, वो सब कुछ डिफरेंट रहा, वो डिफरेंट एक माइंड सेट था। ओके, मेक अ विश, ये आपका मैनिफेस्टेशन, कोई मेक अ विश, कोई विश ही है, आप दोनों की एक विश है ये कनेक्शन, कहीं ना कहीं आपने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में और इस पर्सन ने भी बहुत टाइम पहले इसी तरीके का रिश्ता मैनिफेस्ट किया हुआ है, ठीक है, कोई विश की गई थी यहाँ पर, ये विश बनी है आपकी, ठीक है, ये रिश्ता एक विश फुलफिलमेंट काइंड वाला कनेक्शन है, कोई इसी तरीके का पार्टनर, इसी तरीके का कनेक्शन कभी आपने डिवाइन से मांगा था, ठीक है, जब अपने माइंड में आपने एक पार्टनर का विजन सेट किया था तो इसी तरीके का इंसान था वहाँ पे, ठीक है। ग्रेस, काफ़ी ग्रेसफुल पर्सनालिटी यहाँ पर आप और इस पर्सन की है, ठीक है, आप लोग काफ़ी एक दूसरे को एक मतलब कि द अवेकनिंग,
ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत सारी अवेकनिंग लेकर आएगा, ठीक है, एक अवेकनिंग रहेगी आप लोग की लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर टू डांस विद जॉय, ठीक है, ये कनेक्शन आपको बहुत ज्यादा एक स्टेप बाय स्टेप मोमेंट टू मोमेंट जीना सिखाएगा, मोमेंट टू मोमेंट चलना सिखाएगा, एक अवेकनिंग स्टेज होगी, फियर से बाहर आएंगे, ठीक है, एक ग्रेस पर्सनालिटी ग्रेसफुल बनेगी। लेकिन कोई आपकी विश है यहाँ पर, ये कनेक्शन आपकी विश से कनेक्टेड है, कोई विश फुलफिलमेंट है ये कनेक्शन, ठीक है। पास्ट लाइफ, मैं पहले ही कह रही हूँ कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शंस या पास्ट लाइफ आप लोग के बीच यहाँ पर कोई बॉन्ड है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ द, ठीक है, फन सेल्फ, या मैं एक मेमोरीज आप लोग के बीच, एक मेमोरीज है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 36 नंबर इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, 36 आपकी एज इंसान की एज हो सकती है, 10 इंपॉर्टेंट है, 25 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पॉजिटिव, एक बहुत एक पॉजिटिव, ये जो भी कनेक्शन है या एक पॉजिटिव लाइट में जा रहा है, एक पॉजिटिव, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान को काफी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं इस चीज को एक्सेप्ट करने में। आपके साथ कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, क्योंकि आपके पर्सन रेडी ही नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए। कोई कभी कुछ ऐसा भी होता है, किसी इंसान से मिलकर इतना भी एक अपनाइत या इतना भी एक क्लोज फील होने लग जाता है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में बहुत से रिश्ते, बहुत से कनेक्शन, बहुत सी सब कुछ अभी जिंदगी में एक्सपीरियंस करें, लेकिन आपके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफी डिफरेंट रहा है, मतलब के बहुत एक क्लोजनेस रही है। कोई मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है, ठीक है, बहुत तेजस की एनर्जी हो सकती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन आपको जानना चाहेगा, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे विश, भाई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ बर्डन है, इमोशनल स्ट्रेस, कोई इमोशनली एक एक्सप्रेसिव एनर्जी है, इमोशनली कनेक्शन बिल्ड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हरफिन की एनर्जी है, कोई गाइड कर रहा है, कोई गाइडेंस है यहाँ पर, एडवाइस, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस है यहाँ पे, एंडिंग हो चुकी है, यहाँ पे एक बिगनिंग करने का स्ट्रेस है। आपके पर्सन ने कोई एंड, कुछ एंड किया है आपके साथ, कुछ खत्म किया है, उसको दोबारा रीस्टार्ट करने का, आपकी तरफ एक स्टेप लेने का, आपकी तरफ एक मतलब के जंप करने का, रिस्क टेकिंग करने का स्ट्रेस है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन को मेंटेन या बैलेंस करने के बजाय डिस्कनेक्ट कर दिया, या बहुत ज्यादा मतलब के अपने आप को कोशिश आपसे लगातार करते रहे कि आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए, अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, लेकिन ये इंसान कर नहीं सका, स्पिरिचुअल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन एक अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत सारा इमोशंस है, स्टॉकिंग एनर्जी है आपके पर, नजर रखता है ये इंसान, ठीक है। जब भी मौका मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, इंसान आपको जरूर दूर कहीं से देखता है, चेक करता है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। स्टैगनेंट एनर्जी, जब से एंडिंग आई है स्टैगनेंट आ चुकी है, स्टैगनेंसी आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत ज्यादा ये इंसान अपार, जब इंसान ने सृष्टि को खत्म करा, एंड करा, तो एक मेंटल ब्लॉकेज जिसमें था, ये हीलिंग नहीं थी, कोई कंफ्यूजन हो सकती है, कोई मिसगाइड, किसी की मिसगाइड की वजह से ये सब कुछ हो रहा हो सकता है। आपके पर्सन एक मेंटल ब्लॉकेज से गुजर रहे थे बहुत टाइम तक, तो लंबे अरसे तक ये रिश्ता स्टैगनेंट रहा है, एक बहुत मतलब के स्टेबिलिटी या एक क्लैरिटी को लेकर कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। अनक्लियर कनेक्शन था, और बहुत क्लाउडेड एनर्जी थी, कुछ भी क्लियर नहीं था। फ्रेंडशिप में भी थे तो सही से बात नहीं करते थे, क्योंकि आप दोनों जानते थे एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स फील करते हैं। आपके पर्सन आपके आपकी तरफ इन्वॉल्व होने से डरते थे कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज्यादा कनेक्शन फील ना हो जाए, या आप बहुत ज्यादा होपफुल ना हो जाए कि ये आपको कुछ देगा, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में ब्लॉकेजेस थे। कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो थी, दिल कहता था कि आप एक पॉजिटिव पर्सन है, आपके साथ एक फ्यूचर प्लान किया जाता है, लेकिन कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंजेस, कोई कोई मिस गाइड कर दिया किसी ने, या तो कोई बहुत ज्यादा ये इंसान किसी की बातों में आ गया, कि एक किसी की गलत एडवाइस में आ गया कि आपके साथ शायद इसकी लाइफ चल नहीं पाएगी, आप इसके टाइप के नहीं है। एक होता है ना, जब हमारा बैड टाइम होता है तो जरा सी भी चिंगारी पूरी कहानी को आग लगाने के लिए काफी होती है। तो ये कोई ऐसी बात, कोई ऐसा माइंडसेट, कोई ऐसा एक माइंड में ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर के माइंड में एक अदर साइड इन्फ्लुएंस से बना, आपके पार्टनर ने आपके साथ इन्वॉल्व होने से और एक इन्वेस्ट करने से ही डिनाई कर दिया, ठीक है। मतलब कि डिस्कनेक्ट हो गया ये इंसान, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गया था आपसे, ठीक है। वो रिश्ता एक रिन्यूअल पे हो सकता है, ठीक है, वो कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो कनेक्शन हो सकता है जो एक रिन्यूअल पे है, जो एक रीस्टार्ट पे है, ठीक है।
ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन एक बैलेंस लेवल पे ये इमोशनली हील करना चाह रहा है, ये जानता है इसने डैमेज कर दिया है इमोशनली, यहाँ पर बहुत डैमेज आपके पार्टनर की तरफ से आया है, इस कनेक्शन को जो भी डैमेज मिला है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मिला है। ठीक है, तो इस रीडिंग को ये पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।